संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। जो विधना है जिसने माता कैकई जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपथ का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। मैया, अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं? माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा हैं उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कार पूर्ण अस्तित्व, एक श्राप बनकर रह जाएगा। पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही न रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे?